हेलो फ्रेंड्स, एक बार स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे SBI क्लर्क की वैकेंसीज को लेकर, यहाँ पे बात होने वाली है। और जो लोग सोच रहे हैं कि वैकेंसीज नहीं आएगी 2019 में, खासकर SBI क्लर्क की बात करें, तो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। वैकेंसीज बिल्कुल आएगी। और यहाँ पे साफ तौर पर यहाँ पर देख सकते हैं कि इकोनॉमिक टाइम्स में जो एक न्यूज़ आया, जिसके तहत आप लोग को एक कह सकते हैं कि एक इंफॉर्मेशन इंटीमेशन जो मिल गई है, प्री इंटीमेशन के तौर पर आपको एक सूचना यहाँ पर मिल सकता है, या फिर ये उम्मीद कर सकते हैं कि 2019 में वैकेंसीज आएगी। ठीक, तो यहाँ पर देखिए इकोनॉमिक टाइम्स ने क्या कहा है, और यहाँ पे जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं SBI के, उन्होंने भी क्या कहा है, इस पर क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की है, तो इसके बारे में भी यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले आप देखिए, ऑटोमेशन हैज SBI लिविंग 25% रिटायरमेंट वैकेंसीज ओपन फॉर टेक। कहने का मतलब यहाँ पे SBI जो है, यहाँ पे 25% जो यहाँ पे रिटायरमेंट होगी, उसके बाद जो यहाँ पे वैकेंसीज उभर के आएगी, उससे क्या होगा कि जो नए एम्प्लॉय होंगे जो कि टेक्नोलॉजी के साथ ज़्यादा बेहतर काम करेंगे, इससे बैंक को भी एक अच्छा अप्रोच मिलेगा, एक कह सकते हैं कि उनको एक अच्छा इन्वॉल्वमेंट मिलेगा, और फास्ट जो है प्रोसेस वो होगी बैंकिंग के, जो बैंकिंग में जो भी स्नैरियो अभी तक उत्पन्न हो रहे थे, जिससे कि किसी ट्रांजेक्शन के वजह से लेकर या लोन से संबंधित किसी तरह के परेशानी को लेकर, क्योंकि जो भी पहले के लोग थे जो अभी काम कर रहे हैं, जो अभी रिटायर्ड होने वाले हैं, उनको कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी से काफ़ी हद तक तालमेल अच्छा नहीं बना पाए थे, जिससे कि बहुत सारी परेशानियां हुई हैं बैंकिंग के। अगर सेक्टर की बात किया जाए, वहाँ पे बैंकिंग में अगर बात करें, ट्रांजेक्शन के बारे में बात करें, या लोन के बारे में बात करें, या किसी तरह के और भी अगर उससे जुड़ी हुई कोई भी बात हो, तो वहाँ पर उनको समस्या आती थी। तो यहाँ पर रिटायरमेंट के बाद एक नया चीज़ देखने को मिलेगा। बैंकिंग अगर सेक्टर की बात करें, तो वहाँ पर भी एक नया कह सकते हैं कि जो कि नया एम्प्लॉय आने से एक नए तरीके से वहाँ पे काम का संचालन होगा, तेज़ गति से उसमें आने वाली है, तेज़ गति आएगी उसमें। ठीक, अब यहाँ पे देखिए क्या चीज़ है इम्पोर्टेंट, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ठीक, तो यहाँ पे साफ तौर पे देखिए जो यहाँ पे एक लाइन लिखा गया है, प्रशांत कुमार डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर एंड कॉर्पोरेट डेवलपमेंट ऑफिसर टोल PTI। PTI मीन्स की प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, जो कि एक लार्जेस्ट एजेंसी है न्यूज़ की, उसने क्या बताया है, ये बताया है कि जो प्रशांत कुमार है, डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, कॉर्पोरेट एंड डेवलपमेंट ऑफिसर हैं, उन्होंने बताया कि इट इज़ वेरी गुड फॉर अस, वी आर गेटिंग गुड पीपल एट क्लर्क लेवल हु आर अडेप्ट विद टेक्नोलॉजी एंड अदर टूल्स। कहने का मतलब जो एम्प्लॉय होंगे, जो रिक्रूटमेंट होगी नई एम्प्लॉय की, वो टेक्नोलॉजी के साथ और अदर टूल्स के साथ काफ़ी अडेप्ट होंगे। कैरियर प्रोसेसिंग आर ऑल्सो हैपनिंग फास्ट, इससे जो ही कैरियर जो प्रोसेसिंग होगा वो क्या होगा और फास्ट होगा यहाँ पे, एज मोस्ट ऑफ देम विल अपीयर फॉर इंटरनल एग्जाम टू बी प्रमोटेड एज ऑफिसर आफ्टर ज्वाइनिंग एज क्लर्क। अब यहाँ पे जो क्लर्क में ज्वाइनिंग करेंगे, वो उनका जो फास्ट जब होगा, यहाँ पे साफ तौर पे लिखा गया कि फास्ट प्रमोशन अगर होगा, प्रोग्रेशन होगा, तो इससे क्या होगी, क्लर्कल पोस्ट भी खाली होगी, साल दर साल वहाँ पे वैकेंसीज आती रहेगी और वो प्रमोट करेंगे तुम। लेकिन अभी क्या था, जो पहले से जो रिक्रूट थे उनकी जो है प्रमोटिंग नहीं हो पाई, वजह था कि वो यहाँ पे साफ तौर पर यहाँ पे एक चीज़ मेंशन किया गया, टेक्नोलॉजी और अदर टूल्स, टेक्नोलॉजी के साथ कहीं ना कहीं तालमेल अच्छी नहीं बैठा पा रहे थे। जो अब उनकी जो रिटायरमेंट का समय आ चुका है, तो वहाँ पर रिटायरमेंट होंगे तो नए लोग रिक्रूटमेंट होंगे। अब यहाँ पर ये चीज़ होगा बेनिफिट कि जो नए लोग रिक्रूटमेंट होकर जल्दी ही वो डिपार्टमेंटल एग्जाम देकर वो एज ए ऑफिसर रैंक पे चले जाएंगे, इससे क्या होगा कि क्लर्क की पोस्ट खाली होगी और वैकेंसीज हर साल आने की संभावना बढ़ेगी। अब यहाँ पे और भी देखिए क्या लिखा गया है, यहाँ पे बात रेलवे की बात नहीं होगी, बात यहाँ पे होगी बैंकिंग की। अब यहाँ पे और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है कि देख सकते हैं साफ तौर पे जो यहाँ पे बातें कहा गया है, एक चीज़ और देखिएगा कि द बोर्ड हैज़ कम आउट विथ 5-year रोड मैप इन 2018। अब यहाँ पे बोर्ड जो क्या किया है, 5 साल के रोड मैप को लेकर आया है 2018 में, टू रिप्लेस ओनली 75% ऑफ देयर रिटायरिंग एम्प्लॉयज एवरी ईयर। यहाँ पे 75% जो रिटायरिंग एम्प्लॉय है एवरी ईयर जो होने वाले हैं, उन्होंने ऐसा कहा है, ही एडिंग एन एवरेज अप टू 10,000, और वहाँ पे कहा है कि लगभग 10,000 वैकेंसीज होगी, जिसमें कि आपका 8,000 क्या होगा क्लर्क का होगा और 2,000 ऑफिसर का होगा, मीन्स कि PO का। ठीक, आर बींग हायर्ड एनुअली एज रिप्लेसमेंट, तो ये क्या होगा कि रिप्लेसमेंट होंगे और यहाँ पे रिक्रूटमेंट होगी। अगर यहाँ पे 2000 बात यहाँ पे की गई कि रिटायरमेंट विल हिट अ पीक इन फिस्कल 2020, अगर 2019 को छोड़कर 2020 की बात यहाँ पे की गई है कि अगर
रिटायरमेंट अगर सबसे ज़्यादा 2020 में होगा, 19 से ज़्यादा सबसे ज़्यादा 20 में होगा रिटायरमेंट, जिससे क्या होगी वैकेंसी 12,500 हो जाएगी। यहाँ पे 10,000 की यहाँ पे बात की गई थी, अब यहाँ पे 12,500 हो जाएगी। इस हिसाब तौर पे देख सकते हैं यहाँ जो रेशियो 8,000-2,000 का है, तो क्लर्क में भी आपके वैकेंसी बढ़ जाएगी और ऑफिसर में भी वैकेंसी बढ़ जाएगी। तो बस इस जो यहाँ पे इकोनॉमिक्स टाइम्स के इस न्यूज़ से ये बेनिफिट तो पता चला कि भाई वैकेंसीज आएगी, क्लर्क की वैकेंसीज आएगी। ठीक, पहला चीज़ तो वैकेंसीज आएगी, दूसरा चीज़ की वैकेंसीज के यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो मेंशन किया गया डाटा इससे भी लग रहा है कि वैकेंसीज आपको अगर क्लर्क की बात किया जाए तो 8,000 प्लस वैकेंसीज आएगी, और अगर पीओ की बात किया जाए तो 2,000 प्लस वैकेंसीज आनी तय है। ठीक है, इसे क्लर्क की अगर बात करें तो 8,000 वैकेंसीज आनी तय है, और पीओ की बात करें तो 2,000 प्लस वैकेंसीज आनी तय है। और देखिए यहाँ पे क्या और चीज़ यहाँ पे मेंशन किया है कि द न्यू रिक्रूटमेंट आर हेल्पिंग गेट द एवरेज एज ऑफ एम्प्लॉय डाउन। इससे क्या होगा, जो एवरेज एज के जो एम्प्लॉय हैं वो क्या होंगे, उसकी जो उनकी स्तर होगी घटेगी, उसमें यंग जो होंगे एम्प्लॉय काम करेंगे, जो एनर्जेटिक ज़्यादा होंगे, काम अच्छे करेंगे, नए टूल्स के साथ और नए टेक्नोलॉजी के साथ ज़्यादा अडेप्ट होंगे, हेल्पिंग द बैंक बिकम मच मोर वाइब्रेंट। और इससे क्या होगा कि जो बैंकिंग का बैंक सेक्टर या बैंकिंग का जो इन्वॉल्वमेंट होगा वो ज़्यादा ऊर्जावान होगा, ज़्यादा ही गतिशील काम करेगा। ऑर्गेनाइजेशन विद द एवरेज एज कमिंग डाउन टू 43 फ्रॉम 48 फाइव ईयर्स अगो। 5 साल अगर पहले की बात किया जाए तो यहाँ पे जो एज था 48, एवरेज एज था, अब जो घटेगा यहाँ पे 43 हो जाएगा। और यहाँ पे कुमार जो कि प्रशांत कुमार ने यहाँ पे बताया है। तो इससे देखिए इस न्यूज़ से एक चीज़ आपको समझना चाहिए, ज़्यादा इसके बारे में चर्चा यहाँ पे नहीं करूँगा कि क्या हो गया क्या नहीं होगा, बस इस न्यूज़ से बस एक चीज़ आपको ध्यान देने वाली बात होगी कि बैंकिंग की जो है इस बार वैकेंसीज आएगी। ठीक है, बैंकिंग की वैकेंसीज आएगी, खासकर SBI की बात करें तो SBI की वैकेंसीज में क्लर्क की भी आपकी वैकेंसीज आएगी और PO की वैकेंसीज आएगी, क्लर्क और PO की वैकेंसीज आएगी। क्लर्क में आपको यहाँ पे 8,000 प्लस वैकेंसीज की यहाँ पे बात की गई है, और यहाँ पे PO की बात करें तो 2,000 प्लस की वैकेंसीज की बात की गई है। तो बात हो रही थी पीओ की, तो पीओ की वैकेंसी तो आपको अप्रैल में, ठीक है, अप्रैल तक इसका नोटिफिकेशन आ जाने की उम्मीद है। अगर हम बात करें पीओ की बात करें तो अप्रैल तक आ जाएगा, लेकिन अगर बात हम क्लर्क की करें तो क्लर्क भी आपका अप्रैल के बाद जून जुलाई तक देखने को इसका भी वैकेंसीज का जो है नोटिफिकेशन आने की उम्मीद है। तो ये अगर सोच रहे हैं आप लोग कि भाई हम तैयारी नहीं करेंगे, जब नोटिफिकेशन आएगा तब तैयारी करेंगे, तो भाई नोटिफिकेशन आने से लेकर आपके एग्ज़ाम तक काफ़ी समय नहीं मिलता है। मैक्सिमम हम समझते हैं कि वहाँ पे 2 मंथ आपको समय मिलता है, और 2 मंथ में अगर बैंकिंग की तैयारी करते हैं स्टूडेंट तो वो सफिशियंट नहीं होगा। अभी से आप लगते हो तो बेनिफिट ये होगा कि आप पहले से तैयार हो गए और एग्ज़ाम क्रैक होने में आपका 100% योगदान हो जाएगा। अगर मान लिया पीओ तो आएगा, पीओ तो डेफिनेटली आएगा, क्लर्क मान लिया थोड़ा सा 1% भी अगर ऐसा गुंजाइश हुआ कि नहीं आएगा, आना तो तय है भाई, ये मान के चलो आना तो तय है। मान लिया कि आपके मन में 1% भी डाउट होगा तो भाई अगर SBI क्लर्क छूट भी जाए तो IBPS क्लर्क तो आपके हाथ में होगा, RRB क्लर्क आपके हाथ में होगा, ये तो होगा आपके हाथ में। ठीक, तो इन बात को ध्यान रखकर आप बैंकिंग के जो एस्पिरेंट है वो जम के लग जाए, रोजाना एक मॉक टेस्ट दे, रोजाना प्रैक्टिस करें, ये सोचे नहीं यार वैकेंसी आएगी। आप पहले से तैयार रहो ना, युद्ध होने की बात जब आप बात करते हैं, युद्ध होने का तो युद्ध होगा तब आप तैयारी करोगे, कि युद्ध होने से पहले आप वेल प्रिपेयर होगे, कि जब युद्ध होगा तो सामना करने के लिए आपके पास सारे हथियार होंगे। सारे हथियार यहाँ करने का मतलब आपके पास सारे जो है कोर्सेस, जो तैयारी आपने किया था, सारे जो सिलेबस है, सारे जो आपके जो आपने तैयारी किया था सिलेबस उसके सारे कंप्लीट है। और जब आपके सारे सिलेबस कंप्लीट होगी एग्ज़ाम के रिकॉर्डिंग, तो आपका एग्ज़ाम क्लियर होना 100% तय है। तो SBI क्लर्क की बात करें या SBI PO की बात करें, एक चीज़ ध्यान रखना, इसमें इंग्लिश बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। ठीक, इंग्लिश बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, तो याद रखना कि रीजनिंग तो सभी बना लेंगे, पॉइंट सभी बना लेंगे, लेकिन इंग्लिश बहुत सारे लोग फंसेंगे। तो इंग्लिश के लिए अभी से रोजाना आप कोई भी बुक उठाकर, सिंपल भी बुक उठाकर, चाहे SSC लेवल का हो या SSC लेवल के पहले उठा लो, आप 1-2 महीना उसको प्रैक्टिस कर लो, उसके बाद आप बैंकिंग का जो प्रीवियस ईयर का सेट उसको लगा लोगे, आपका इतना तो है कि कम से कम 15-20 मार्क्स तो इंग्लिश में आ जाएंगे। बस इतना ही तो मार्क्स लेके आना है क्लियर करने के लिए। ठीक है, उसका जो है कट ऑफ क्लियर करने के लिए, आपका सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करने के लिए 15-20 मार्क्स काफ़ी है। बाकी आप जितना हो सके आप पॉइंट में उठा लो मार्क्स, जितना हो सके आप रीजनिंग में उठा लो, क्योंकि बैंकिंग में 2 चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर बात करें SBI और IBPS का, तो उसमें इंग्लिश और आपका रीजनिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक, क्वांट एवरेज स्टूडेंट ही बना पाते हैं, 20-25, 26-27 इससे ज़्यादा नहीं कोई बना पाते। हाँ, कोई ब्रिलियंट होते तो बनाते, लेकिन उनकी इंग्लिश अच्छी नहीं होती, याद रखना।
तो बात कुल मिलाकर ध्यान देने वाली बात है, 2019 में वैकेंसीज आएगी, ठीक, 2019 में वैकेंसीज आएगी, SBI क्लर्क की भी वैकेंसीज आएगी, PO की भी वैकेंसीज आएगी, IBPS का भी नोटिफिकेशन आपको पहले ही ऑलरेडी आ चुका है, RRB की भी नोटिफिकेशन आ चुकी है, उसका कैलेंडर ही जारी कर दिया गया कि किस तारीख को कब कब एग्ज़ाम होना है, तो आप पहले से प्रिपेयर हो। जब आप पहले से आपको पता सब कुछ है तो ज़्यादा सवाल नहीं करें तो अच्छा होगा, ज़्यादा सवाल अगर करने से बेहतर है कि आप फोकस करें पढ़ाई पे, क्योंकि अगर कहीं ना सवाल जब आपके चक्कर में रह जाओगे और एग्ज़ाम आपका छूट जाएगा और सामने वाले आपको कहेंगे भाई मेरा तो पेपर क्लियर हो गया, तब बहुत बुरा लगेगा आपको, इसलिए ऐसा ना हो, आप प्रिपेयर रहें, ठीक, ऑल द बेस्ट।